आज से 1400 साल पहले इमाम हुसैन कर्बला में अकेले भूखे प्यासे लड़ रहे थे। वो तना हक के लिए कुर्बान होने जा रहे थे, अल्लाह की रजा पर राजी थे। ऐसी चीज पहले कभी भी तारीख ने नहीं देखी थी कि किसी नबी के घराने को सिर्फ 50 साल के अंदर उसी की उम्मत शहीद कर दे, वो भी कलमे के नाम पर। किसी में इतना जज्बा तो मौजूद नहीं था कि वो अकेले इमाम हुसैन का मुकाबला कर सके, क्योंकि सबको पता था कि वो किसकी औलाद है। इसलिए उन्होंने ऐसा मौका ढूंढा जब इमाम हुसैन अपनी तलवार लहराते हुए मैदान जंग में आए तो दुश्मनों के पसीने छूट गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इमाम हुसैन का मुकाबला किया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि नमाज का वक्त शुरू हो गया है और उन्होंने जंग के मैदान में ही नमाज पढ़ने का फैसला ले लिया और यजीदियों को मौका मिल गया और इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन सजदे में थे जब उन्हें शहीद किया गया और आज 1400 साल बाद भी कर्बला पर हुसैन का कब्जा है। इससे बड़ी बात यजीद के लिए क्या होगी कि कर्बला के बाद किसी भी माँ ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा, और दूसरी तरफ आज भी ये नाम हुसैन हमारे सीनों में बसता है।